नमस्कार दोस्तों, आज हमारा 875 का डे थर्ड था। सुबह पानी पिया, फिर हम चले गए ओपन टेरिस पे एक्सरसाइज करने। पहले हमने नॉर्मल वाला बॉडी स्ट्रेच किया, उसके बाद एक फ्लो किया, बॉडी फ्लो हमारा 30 मिनट्स का, जिसमें फुल बॉडी स्ट्रेच किया हमने। शुरुआत करी थी हमने पुशअप सिटअप से, उसके बाद फिर थोड़ा नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की, फिर हमने थोड़ा डीप स्ट्रेचिंग की, हमारे पूरे लेग्स का बैक का पूरे हमने स्ट्रेच किया। हमारा तकरीबन 30 मिनट्स के आसपास था ये हमारा फुल बॉडी स्ट्रेच करते हैं हम, बजाय कि वेट उठाने के या और कुछ। इसमें योगासन भी इंक्लूड हो जाते हैं हमारे, प्लस में जो हमारी नॉर्मल स्ट्रेचिंग है वो भी इंक्लूड हो जाती है। तो हमारी स्ट्रेचिंग के बाद हमने किया फिर उसके बाद मेडिटेशन तकरीबन 7 मिनट, जैसे कि हमने बताया डेली एक एक मिनट बढ़ाना है हमें नॉर्मल वाला जो वो होता है। उसके बाद किया हमने सर्वांगासन, सर्वांगासन के बाद हमारा बैक फोल्ड पूरा, जिसको हलासन बोलते हैं, वो किया। पैर हमारे बिल्कुल अच्छे से टच होने लग गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 30 सेकंड से ज़्यादा हमारा होल्ड कर देते हैं। उसके बाद ये धनुरासन, धनुरासन करके हमने फिर थोड़ा सा किया रेस्ट और साइड वाइज स्ट्रेचिंग करके, फिर हमने उसके बाद किया बोट पोज, बोट पोज के बाद हमने फिर उसके बाद किया नॉर्मल हमारा रिलैक्स, रिलैक्स के बाद हमने फिर किया मेडिटेशन, साइड वाइज सारे स्ट्रेच किए, सब कुछ किया। हमारा यही है कि मॉर्निंग में हमारा जो होता है अपना ओपन टेरिस पे वो करते हैं, शाम को हमारा जो फील्ड वाले वर्क होते हैं वो होते हैं। इसके बाद किया मेडिटेशन, मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी, ठंडा दिन था एज़ कम्पेयर टू अदर डेज। मेडिटेशन हमने बताया डेली एक एक मिनट बढ़ाएंगे। आई एम सो दैट हमारा एंड ऑफ द दिस टास्क 75 तक जाए। 75 इज़ ए गुड टाइम, अगर आप 75 मिनट्स मेडिटेट करते हो तो अलग ही प्रभाव आएगा आपका। मेडिटेशन किया, मेडिटेशन के बाद फिर हमने नीचे आए, नीचे आके पानी पिया और मेडिटेशन वाला पार्ट हमारा थोड़ा लंबा हो गया एडिटिंग में, नो प्रॉब्लम, डे बाय डे इंप्रूव करेंगे, सीखेंगे, चलता रहेगा। हमारा जो योग का बेसिक है अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, सब कुछ करना, वो कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव करने की।